हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पिंडी रिएक्शन। आज फिर कॉल वीडियो आपके साथ उनका देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है IPL ऑक्शन 2020। IPL आ चुकी है और इसकी रिसेंटली ऑक्शन हो गई है और ऑक्शन में जो प्लेयर्स महंगे प्लेयर्स बिके हैं उनकी वीडियो है ये। और तो बड़ा मजे का टाइम आने वाला है, IPL आने वाली है तो लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है और उससे पहले ये सारा कुछ IPL क्रूशियल टाइम पर है। ये सारे इवेंट्स BPL तो भी चल रही है मेरे ख्याल से, तो IPL आ गई है, बिग बैश भी चल रही है, PSL भी होने वाली है, तो हर कंट्री अपनी अपनी लीग करवा रहा है ताकि वर्ल्ड कप में ज्यादा से ज्यादा अच्छे से परफॉर्मेंस प्रिपेयर करके एक बेहतर टीम सिलेक्ट करके वर्ल्ड कप में उतारी जाए। तो मुझे लगता है ज्यादा बर्डन आ जाता है प्लेयर पर इतनी हेक्टिक लीग्स खेल के साथ ही वर्ल्ड कप खेलना। T20 है, कौन से टेस्ट मैच खेल, फिर भी मेंटल प्रेशर और ये बात कुछ लोग डिबेट करते हैं इस चीज को, लेकिन मेरे ख्याल में आजकल क्रिकेट और दुनिया इतनी फास्ट हो चुकी है कि प्लेयर्स बड़े आराम से एडजस्ट कर लेते होंगे। असल में ये जो इस तरह की लीग्स है ना, जितनी ज्यादा क्रिकेट खेलेंगे वर्ल्ड कप से पहले सिलेक्टर्स के लिए उतना ही आसान होगा अपनी टीम को फाइनलाइज करने का, क्योंकि इस तरह जब भी ये जैसे IPL होती है तो उसके बाद इंडिया के एक दो प्लेयर्स शिफ्ट हो जाते हैं हर पाकिस्तान कंट्री में, हर कंट्री में इसी तरह होती है, जो परफॉर्म कर रहा होता है, जो बेहतर टच में होता है उसको टीम में, तो इसलिए उन्हें वर्ल्ड कप के लिए अपना स्क्वाड फाइनल कर उस स्क्वाड को फिर एक दो जो है मैचेस और मतलब एक दो टूर्स और करवा देते हैं और अपनी टीम फाइनलाइज कर लेते हैं, तो ये आसान हो जाता है। तो IPL ऑप्शन के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात, पैट कमिंस को लेकर बहुत सारे वो ट्रॉल्स बन रहे थे, ही इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर। इस पे मैं बाद में बात करूंगा पहले हम प्लेयर्स देख लें कि कौन कौन से और फिर हम जाएंगे कमिंस पे। प्लेयर तो पता है दुनिया से सारी फिर हम उन लोगों पे आएंगे जिन्होंने इतना पैसा लगा दिया उस पे। सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट यूनिवर्स चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट क्रिकेट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे IPL ऑक्शन की और आपको बताएंगे कि किस टीम ने किस प्लेयर को कितने में खरीदा। ऑस्ट्रेलिया के क्रिस लिन को मुंबई इंडियंस ने खरीदा है 2 करोड़ रुपए में। इंग्लैंड के कैप्टन वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन इयान मॉर्गन को खरीदा है कोलकाता नाइट राइडर्स ने 5.25 करोड़ रुपए में। रॉबिन उत्थप्पा को खरीदा है राजस्थान रॉयल्स ने 3 करोड़ के ओपनर जेसन रॉय को खरीदा है दिल्ली कैपिटल्स ने 1.5 करोड़ रुपए। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन आरोन फिंच को खरीदा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 4.4 करोड़ रुपए में। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल को खरीदा है किंग्स इलेवन पंजाब ने 10.75 करोड़ रुपए। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर क्रिस वोक्स को खरीदा है दिल्ली कैपिटल्स ने 1.5 करोड़ रुपए। अगर मेरी खबर ऑस्ट्रेलिया के ही फास्ट बॉलर पैट कमिंस को खरीदा है कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15.5 करोड़। इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम कुरन को खरीदा है चेन्नई सुपर किंग्स ने 5.5 करोड़ रुपए में। साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस को खरीदा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 10 करोड़ रुपए में। ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर एलेक्स केरी को खरीदा है दिल्ली कैपिटल्स ने 2.4 करोड़ रुपए में। मॉरिस के बीच नहीं जाता है जयदेव उनाटकट को खरीदा है राजस्थान रॉयल्स ने
3 करोड़ रुपए में। ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर नाथन कुल्टरनाइल को खरीदा है मुंबई इंडियंस ने 8 करोड़ रुपए में। मुंबई इंडियंस के पास पैसा भी बहुत है, वो खरीद सकते हैं। वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर शेल्डन कॉट्रेल को खरीदा है किंग्स 11 पंजाब ने 8.5 करोड़ रुपए में। पीयूष चावला को खरीदा है चेन्नई सुपर किंग्स ने 6.75 करोड़ रुपए में। हर्षा ने ट्वीट की थी वेकअप पीयूष चावला डिस नॉट। अब नजर डालते हैं इस ऑक्शन की समरी की तरफ कि कौन सा प्लेयर किस टीम के लिए खेलेगा। तो प्लेयर के फोटो और उनकी टीम का नाम आपकी स्क्रीन पे है। अगर बात करें इस ऑक्शन की तो सबसे महंगे खिलाड़ी पैट कमिंस रहे। जो खिलाड़ी इस वीडियो में कवर नहीं हो पाए उनकी लिस्ट आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आपको क्या लगता है इस IPL ऑक्शन के बारे में, किस टीम ने अच्छी ऑक्शन की, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, तो इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके आप इस चैनल की मजीद वीडियो भी देख सकते हैं। सबसे पहले पैट कमिंस पे बात करनी है कुछ। नहीं यार, वो मेरे हाल से ये देख मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल जो बॉलर्स हैं वो ज्यादा एक्सपेंसिव गए हैं कंपैरेटिवली। हालांकि ज्यादा बैट्समैन को चाहिए ना, वैसे इन जनरल बैट्समैन, बट वो मेरे बैट्समैन के लिए मेरा ख्याल है कि क्योंकि इंडिया बैट्समैन हमेशा से बहुत अच्छे प्रोड्यूस करता रहा, तो शायद टीम्स जो उनकी लोकल बैट्समैन उनको प्रेफरेंस देते हों, और इस वजह से जो इंटरनेशनल जो अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं उनकी डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है। अरे तो विराट कोहली की तो प्राइस इतनी से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब इसका बात है तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। फिर बुमराह की बहुत ज्यादा होनी चाहिए, बुमराह से अच्छे बॉलर तो नहीं है ना अभी के टाइम में। अगर पैट कमिंस नहीं यार, पर सबसे महंगा नहीं होना चाहिए था। पैसों पे मुझे एतराज नहीं है, चाहे 20 करोड़ दें चाहे 50 करोड़ यार, मतलब लेकिन सबसे महंगा नहीं स्टार्क होता। स्टार्क मेरे ख्याल से वो इंजर्ड है या कुछ है, IPL भी कोई इस तरह का नाम हो ना, मतलब कोई ऐसा बॉलर बुमराह होना चाहिए। बुमराह इस अभी के प्रेजेंट टाइम में बुमराह ऑब्वियसली वो बनता है, या और भी कोई इस तरह का नाम तो का बंदा कहे कि हाँ। इसके अलावा वो भी नहीं बनता 10 करोड़ में, साउथ अफ्रीकन क्रिस मॉरिस वो भी ज्यादा लग रहे, वो भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सीरियस मुझे लगता है वो प्लेइंग 11 में आएगा नहीं, अल्लाह से डर। जिसने 10 करोड़ दिए ना वो उसको होटल पे खाने भी खिलाएगा अपने साथ, प्लेइंग 11 में आएगा ऑब्वियसली। जिसने अगर 10 करोड़ दिए तो उसके साथ साथ रहेगा, बट ये बहुत ज्यादा थे कमिंस के, वो बहुत ज्यादा थे, इतने ज्यादा नहीं। और वो भी मॉर्गन जैसे प्लेयर के को देखो यार, उससे कंपेयर करके देखो जरा। ये ज्यादा मैं क्लियर कर दूं इसी सेंस में कह रहे हैं कि पैसे ज्यादा नहीं, रिलेटिवली मैं अब जैसे मॉर्गन के को मैं कंपेयर कर रहा हूं, मॉर्गन 5 करोड़ है तो बैट कमिंस 15 करोड़, ये बहुत ज्यादा है। मॉर्गन जो है वो 10 था, मॉर्गन 10 था, मॉर्गन 5 था, 5.5। अच्छा दोबारा देखना पड़ेगा, खैर इस पे तो हम बाद में लड़ लेंगे। लेकिन मॉर्गन जैसा प्लेयर अगर वो बैट्समैन है वो बॉलर है ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी मॉर्गन जैसा जो प्लेयर है हिस्ट्री जितना सेंसिबल है और जितना उसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है या वो रिलाय किया जा सकता है, उसके तो कंपैरेटिवली बहुत कम हो जाते हैं। ऑब्वियसली ओवरऑल ये अमाउंट बहुत बड़ी है। अगर अब कुछ लोग कहेंगे PSL का, तो PSL बहुत छोटा है कंपैरेटिवली और उसमें बड़े सस्ते प्लेयर जाते हैं एज कम्पेयर टू दिस, यानी मॉर्गन ने जब PSL खेला है तो। लेकिन रिलेटिवली अगर मैं बात करूँ तो मैं अगर ऑप्शन करूँ तो मॉर्गन को मैं हमेशा टॉप पर रखूंगा इन लिस्ट में, मॉर्गन के इससे ज्यादा प्राइस बनेगी रिलेटिवली। रिलेटिवली तो ये थोड़ा सा एक शॉकिंग किस्म का था, सरप्राइजिंग किस्म के कुछ फिगर्स आ रहे थे इसमें, बट ये हर साल ऐसा होता है, कुछ ना कुछ सरप्राइजेस होते हैं ऑप्शंस में ना, मतलब वाटसन भी होता है ना तो कहा जा सकता है, ठीक है वाटसन। हाँ लेकिन अब तो वो सिर्फ बैट्समैन रह गया, जब वो एज ए ऑलराउंडर जाता होता था तो कहा जा सकता है कि वो बंदा दोनों साइड पे कुछ भी कर सकता है, ही वाज टू गुड। इसमें बाकी बहुत कम है, मुझे बड़े नाम मिसिंग लग रहे हैं इसमें से जो इन्होंने वीडियो बनाई है, बाकियों का भी मुझे इस वीडियो में हाँ, इस वीडियो एक अंड्रे रसल वो सबसे महंगे मेरे ख्याल में सबसे अच्छे T20 के लिहाज से वो प्लेयर है, क्योंकि वो तो किसी भी टाइम, वेस्ट इंडीज की वैसे खास बात ये कि 11 के 11 मैच विनर्स होते हैं, किसी भी टाइम पे मैच को पलट देते हैं, इसलिए अंड्रे रसल और विराट कोहली का मुझे पता नहीं है वो कितने में उनकी प्राइस हुई है, मैं अलग से गूगल करूँगा।
वो हम बाद में देख लेंगे। बट इस वीडियो को लेके आप लोगों का क्या ख्याल है जो क्रिकेट लवर्स हैं, ये जो बात हम कर रहे हैं, ये जो हमें लगता है कुछ पैसों का मतलब कुछ बहुत ज्यादा महंगे हो गए, इतने नहीं होना चाहिए थे, आप लोगों को क्या ख्याल है, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? क्योंकि ये बॉलर इतने महंगे क्यों जा रहे हैं यार, मतलब नहीं यार, मतलब बैट्समैन को ज्यादा महंगा जाना चाहिए। हाँ, इतने महंगे बॉलर, शायद पाकिस्तान में वो इस हिसाब से बॉलर की उतनी कदर नहीं है इसलिए, क्योंकि यहाँ पे बेशुमार ही बॉलर पड़े हुए हैं, क्योंकि होता है ना इंडिया अच्छे बैट्समैन प्रोड्यूस करता रहा हमेशा, पाकिस्तान अच्छे बॉलर्स प्रोड्यूस, लेकिन अब इंडिया के अच्छे अभी तो ओवरऑल टीम ही बहुत अच्छी है, इंडिया के बॉलर्स भी बहुत अच्छे हैं, बैट्समैन बहुत अच्छे हैं। खैर, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और आप लोगों की क्या टेक है इस पर नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो से ज्यादा तो एनालिसिस हमने दिया है, तो हाँ, हमें शौक लगे ना इसलिए ज्यादा निकले। कोई और वीडियो आप चाहते हो हम देखें तो उसका लिंक नीचे कमेंट में दे दें, और दूसरा चैनल भी हमारा भाई, दोनों चैनल सब्सक्राइब करने हैं, दोनों के दोनों अभी के अभी। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़।